वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डार्क मैजिक एक्सप्रेस का नया अपडेट आ चुका है। तो इसके अंदर अपडेट में दो तीन चीज चेंज किया गया है। तो इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन आता था उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। तो मैं आपको धीरे धीरे सबको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और इसके साथ आपको 60:12:36 का PSD टेम्पलेट भी फ्री में मिल रहा है, वो भी किस तरह से आपको डाउनलोड करना है मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो आपका अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो जब डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपको एक फाइल मिलेगा, 25 MB का फाइल मिलेगा। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फाइल दिखाई देगा, ठीक है। ये दो फाइल आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट आपको फोटोशॉप बंद कर लेना है, उसके बाद इसको डबल क्लिक करके रन कर देना है। तो इस तरह से आपको रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा इस तरह से, इसको आपको नेक्स्ट करना है और सीरियल नंबर मांगेगा। तो सीरियल नंबर कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर पेस्ट कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद जो भी आपका अगर नाम यहाँ पे शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम टाइप करके नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर में दे देता हूँ, और इसको आई एग्री करके नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। ये बहुत ही छोटा सा फाइल है, खाली इसको इंस्टॉल कर लेना है, थोड़ी देर में आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। ओके, इंस्टॉल जब कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फोटोशॉप CC14 ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, हम लोगों का फोटोशॉप ओपन हो चुका है, ये CC14 है। आप CS6 में भी चला रहे हैं तो उसमें भी चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको एक टेम्पलेट ओपन करके दिखाऊंगा और कौन सा चीज में इसको मॉडिफाई किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। सो गाइस, इसके अंदर मैं एक PSD टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह से PSD टेम्पलेट है, तो जो लोग बाय किया है उसके उसको साथ आपको ये PSD टेम्पलेट ऑलरेडी मिल चुका है। मैं यहाँ से एक टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे टेम्पलेट हम लोगों का ओपन हो चुका है, और इसको किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको, और यहाँ पे देखिए तीन फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, ठीक है। तो पहले फ्रेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक, और शिफ्ट का बटन दबा के रखते हुए 2 और ये 3, ठीक है। अब फोटो फिल मैं कर लेता हूँ। फोटो फिल जैसा है, जैसा जो जो आपका इसके अंदर मौजूद है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और यहाँ से मैं फोटोज के अंदर में जाता हूँ, और यहाँ से 3 फोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 1, 2 और यहाँ पे आपका ये 3, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं। अब ये आपको पता ही है कैसे ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप नया इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए एक आई बटन शो हो रहा है, इसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों का फोटो फिल हो चुका है। अब इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप लोग फ्लिप कैनवास को करते हैं। जिसके पास ऑलरेडी मिरर का ऑप्शन है वो लोग फ्लिप कैनवास नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के टाइम क्या प्रॉब्लम आता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लिप कैनवास कर लिया और इसको प्रिंट प्रीव्यू में मैंने क्लिक कर दिया, तो एक A4 साइज पेज आता था। तो पेज के अंदर आपका ये फोटो आपका आ जाता था। आपको सिंपली यहाँ पे ले जाके आपको यहाँ पे सेट करके इसको एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जब फ्रेम आप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, तो इसके अंदर आपको 3 फोटो प्रिंट करने का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे A4 साइज में आप 3 मॉक का PSD प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता था, पहले आपका ये पेज में एक बार प्रिंट होने के बाद दूसरे बार ये पेज नहीं आता था, ठीक है, उसके लिए आपको दूसरा पेज ऑटोमेटिकली खुल जाता था। अभी आपका क्या होगा, इसको मैं फ्लिप नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये वाला इसके अंदर अब मौजूद है। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में मैंने क्लिक कर दिया, और ये देखिए ऑटोमेटिकली दूसरा पेज इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। इसको भी आपका कर लिया, और दूसरा वाला भी पेज आपको यहाँ पे मान लीजिए और एक करना है, तो इसको मैं इधर उधर थोड़ा मूव कर देता हूँ इसको, और इसको मैं स्वाइप कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं ये स्वाइप कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करूंगा, तो दोबारा मेरा जो फोटो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। आपको कुछ भी परेशानी का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको प्रिंट देने के लिए रेडी है। तो 3 मॉक का जो प्रिंट आउट है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी इसके लिए ये कंप्लीट कर दिया गया है। ओके,
जो 1236 का पीएचडी टेम्पलेट है इसके साथ आपको वो भी फ्री में मिल रहा है। 60 1236 का नया पीएचडी टेम्पलेट आ गया है, इसके साथ ही मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप डाउनलोड कीजिएगा। तो किस तरह से डाउनलोड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका कंप्लीट फंक्शन आपको अगर देखना है, इसके अंदर बहुत सारा चीज मौजूद है, ठीक है। इसमें रिटचिंग है, बैकग्राउंड ब्लैक एंड टू कलर है, ऑटो कलर करेक्शन है, फास्ट पीएचडी टेम्पलेट मेकर है, इसके अंदर से पीएचडी टेम्पलेट भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट एक आपको बना के दिखा देता हूँ। एक मग पीएचडी टेम्पलेट मैंने ले लिया ब्लैंक वाला, और यहाँ से मैं यहाँ पे आपका एक राउंड वाला दे देता हूँ, और यहाँ से आपका राउंड वाला आ जाता है, बहुत ही इजीली आ जाता है, एकदम सिंपल सा तरीका है। आप जैसे चाहिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अंदर से एक ये वाला ले लीजिए, और इसको फिर से एक ले लीजिए, और यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए, कोई भी कंट्रोल टी वगैरह दबाने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको छोटा करके यहाँ पे सटा दीजिए, आप ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन वगैरह आप सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ से, और मान लीजिए इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फिल एनी सिलेक्शन इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड एक पीएचडी टेम्पलेट बना के आपको दिखा रहा हूँ इजिली, और स्टाइल पैक के अंदर मैं 2000 स्टाइल पैक मैंने दे दिया है, उसके अंदर से आप स्टाइल पैक यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको कुछ डिजाइन बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ओके। तो ये आपका डिजाइनिंग पैक है, ओके। तो ये डिजाइनिंग पैक बनने के बाद आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड में क्लिक कीजिए, और जहाँ पे आपका बैकग्राउंड का डेटा रखा हुआ है वहां पे आप जाना है आपको, और डेटा के अंदर से आपको बैकग्राउंड चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैं वेडिंग का बैकग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ, कोई भी एक टैग आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, किसी भी ड्राइव से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मुझे देना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सब सेट वेट वगैरह को सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका हो गया, ये आपका प्रिंट एक आपका टेम्पलेट रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर से ही टेम्पलेट बना के मैं आप लोगों को फ्री में डालता रहता हूँ। तो कोशिश कीजिए आप लोग खुद ही बनाइए, अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, डिजाइनिंग बनाइए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन इसके अंदर बनता है। और इसमें कोई भी टाइपिंग अगर आप बनाते हैं, टाइपिंग लिखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी टाइपिंग आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने हैप्पी वेडिंग लिख दिया है, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और ये मैं ऊपर में इसको ऊपर में ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्टाइल में आना है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे ये वाला स्टाइल, जैसे ये वाला स्टाइल, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो स्टाइल आप यहाँ से बराबर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको आपको कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्शन कर लिया, और इसका जो नेम वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है, बहुत ही इजीली ये काम हो जाता है, और अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्बम वर्क आपका जो डार्क मैजिक एक्सप्रेस है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका काम होता है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको यूज करना है इसको, और इस्तेमाल करना है किस तरह से, सब कुछ मैंने दिखा दिया है, और इसका कंप्लीट वीडियो तो आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको पीएचडी टेम्पलेट 1236 का जो टेम्पलेट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा, ये मेरा ब्लॉग है। आपको यहाँ पे नीचे में आ जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे में आ जाना है, नीचे में आपको इस तरह से आपको फोटो वगैरह सब दिखाई देगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो इसको आपको क्लिक करके बाय करना है। अगर इसका अपडेट आपको अगर लेना है तो यहाँ पे नीचे में आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए न्यू डार्क मैजिक एक्सप्रेस अपडेट क्लिक किया, तो ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड आपका चालू हो जाता है। और ये आपका 1236 का जो पीएचडी टेम्पलेट है इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, इसको डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड आपका चालू हो जाएगा। और इसका जो पासवर्ड है, जो फर्स्ट टाइम आप डार्क मैजिक एक्सप्रेस खरीदते हैं, खरीदने के टाइम उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पासवर्ड लगता है वही पासवर्ड आपको इसका अंदर डाल के खोल लेना है, ठीक है। ये ओनली फॉर डार्क मैजिक एक्सप्रेस यूजर के लिए है ये टेम्पलेट, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और भी नया नया वीडियो आने वाला है, बहुत सारा पीएचडी टेम्पलेट आने वाला है, रेडी हो रहा है सब, मॉक का पीएचडी टेम्पलेट, आपका टी शर्ट का टेम्पलेट, पिलो का टेम्पलेट सब बन रहा है, जल्दी आने वाला है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।